हेलो फ्रेंड्स मैं श्वेता और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट के बारे में जो कि है कैलेिया का प्लांट इसे हम कैलेथिया प्लांट भी बोलते हैं या इसे प्रेयर प्लांट भी बोलते हैं प्रेयर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इवनिंग का टाइम होता है तो इसकी सारी पत्तियाँ ऐसे एक में ऐसे चिपक सी जाती हैं और ऐसा लगता है वो नमस्ते कर रही हैं प्रेयर कर रही हैं तो यही कैलेथिया की एक हैबिट है जो इसमें होती है हर इवनिंग के टाइम इसकी पत्तियाँ ऐसे मूल सी जाती हैं ऐसे ऊपर का और ये वाला पोर्शन दिखाई देता है तो इसकी वजह से इसे प्रेयर प्लांट भी बोलते हैं तो मेरे पास कैलेथिया की तीन वैराइटीज है ये देखिए ये है कैलेथिया और नाटा का प्लांट ये भी काफ़ी ख़ूबसूरत प्लांट है ये देखिए और दूसरा प्लांट है ये देखिए कैलेथिया रेटल स्नैक इसकी जो पत्तियाँ होती है इस पर स्नैक टाइप की जो धारियाँ होती है उस तरीके की बनी होती हैं तो शायद इसलिए इसका नाम रचल स्नै पड़ा होगा और तीसरी वैरायटी है वो है ये देखिए कलेथिया जैबरीना शायद जेबरी की तरह इस पर लाइने हैं तो इससे शायद इस प्लांट का नाम कलेथिया जैबरीना पड़ा होगा ये तीनों प्लांट काफ़ी ख़ूबसूरत है इसकी बहुत सारी वैरायटीज आती है हंड्रेड प्लस वैरायटी या उससे भी कहीं ज़्यादा आती है और ये बहुत ही ख़ूबसूरत इंडोर में चलने वाला केवल ब्राइट लाइट इसको चाहिए उसमें चलने वाला ये प्लांट है लेकिन ये प्लांट इतना इजी नहीं है इसको मेंटेन करना इसे जो टेम्परेचर चाहिए वो इक्वल चाहिए मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी पसंद नहीं है ये उन जगहों पे इसे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे टेम्परेचर इवन रहे जैसे कोस्टल एरिया हो जहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो यहाँ ये पौधे अच्छे से चलते हैं पर वैसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर आता है तो वैसे जगह पर ये उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं करते जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ ये प्लांट काफ़ी अच्छे से सरवाइव करते हैं अगर ह्यूमिडिटी में कमी आई तो इस प्लांट की जो एज है एज मीन्स ये देखिए ये किनारे जो हैं ये पीले पड़ के सूखने लगते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी लवर है ये देखिए ये सारे एज तो ठीक है जैसे ये देखिए इस पत्ते की एज देखिए यहाँ से थोड़ी सी सूख गई है और ऐसे ब्राउन कलर में ड्राई हो रही है तो इस तरीके की, की प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है और जहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लो है तो वहाँ ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता तो इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें पानी का स्प्रे करें मॉर्निंग और इवनिंग और इसे प्लांट्स के बीच रखें बहुत सारे प्लांट्स हैं और इससे ज़्यादा धूप मिले तो भी इसकी पत्तियाँ ऐसे जलने लगती हैं ज़्यादा पानी मिले तो भी इसकी पत्तियाँ खराब होने लगती हैं तो इसमें पानी सनलाइट और जो स्प्रे है ह्यूमिडिटी है सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो ये प्लांट अच्छा नहीं दिखेगा और सरवाइव नहीं कर पाएगा नॉर्थ इंडिया की बात करें जहाँ टेम्परेचर छः सात से ले कर चालीस से भी ऊपर चला जाता है तो वहाँ ये प्लांट उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता जलासा बिल्कुल रहता है और अच्छा नहीं रहता तो इसके लिए अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसकी ह्यूमिडिटी को आपको मेंटेन रखनी होगी इसके लिए आप सुबह शाम इसमें स्प्रे करें वैसे तो स्प्रे पानी का स्प्रे इस करना इसको कहीं भी बहुत पसंद है तो जहाँ भी इस प्लांट को रखें आप तो इसको स्प्रे इस करें पानी की और इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने के लिए इस... प्लांट को क्लस्टर में रखें मीन्स प्लांट के बीच में इसको ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत सारे प्लांट हो जिससे क्या होगा ह्यूमिडिटी इसकी मेंटेन रहेगी और इसकी सॉयल हमेशा मॉइस्ट रखें आप चाहे तो ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन भी आजकल आ रहा है तो आप वो भी लगा सकते हैं उससे भी काफ़ी हद तक आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में आपको राहत मिलेगी आप इसको ऐसी जगह जहां बाथरूम टाइप एरिया हो जहां पानी गिरता हो या फिर जहाँ आप कपड़े सुखाते हूँ ऐसी जगह भी कुछ हद तक ह्यूमिडिटी नॉर्मल जगहों से ज्यादा मिलती है तो आप वहां भी इसे रख सकते हैं और आप इसको टैप वाटर बिल्कुल ना दें क्योंकि टैप वाटर में क्लोरीन होता है जिसकी वजह से भी इसकी पत्तियां जलने लगती हैं तो आप इसको क्या करें आप नॉर्मल पानी दें आर का भी दे सकते हैं लेकिन आर का पानी इतना वेस्ट ना करें आप क्या करें टैप वाटर को ही बाल्टी में स्टोर करके रख दें बारह घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट उसको रख सकते हैं और उसके बाद अगले दिन उसकी पानी को आप ऊपर का पानी पूरा इसमें डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्लांट जितना देखने में खूबसूरत लगता है मेंटेन करने में थोड़ा मुश्किल ये होता है बात करें इसकी मिट्टी की तो आप एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा सैंड एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा खाद वर्मी कंपोस्ट या काउडर कम्पोस्ट इसमें मिक्स करके मिलाइए और उसमें इस प्लांट को लगाइए काफ़ी बेहतर चलेगा और इसकी फर्टिलाइज़र देने की बात करें तो आप महीने में कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र घर का बना हुआ जैसे मैं तो ओनियन पिल फर्टिलाइजर इसमें महीने में एक बार दे देती हूँ तो ये चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है आप चाहे तो काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच स्पॉट के लिए एक एक चम्मच आप महीने में एक बार डाल दें कोई दिक्कत नहीं है काफ़ी अच्छा ये प्लांट चलेगा और इसकी वाटरिंग भी आप करें तो मिट्टी चेक करके दे बहुत ज़्यादा पानी भी इस प्लांट को ख़राब कर देगा तो आप मिट्टी चेक करके दे जैसे ही आपको हल्की सूखी नजर आए तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं बात करें इसकी पॉट साइज़ की तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप छः इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं और जैसे जैसे वो बड़ा हो तो उसको आप बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं वैसे ये नॉर्मल साइज का जो गमला है आठ इंच का इसमें भी काफ़ी अच्छे से और सालों तक चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको आप किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं बात करें इसके प्रोपोगेशन की तो इसमें कोई स्टेम नहीं होती ये देखिए इसमें कोई स्टेम नहीं है इधर भी देखिए इसमें कोई स्टेम नहीं होगी तो ये स्टेम कटिंग से तो बिल्कुल नहीं लगता तो इसे हम डिवीजन मेथड से लगाते हैं ये देखिए इसमें आपको पफ दिखाई दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा है ये देखिए ये देखिए ये पफ है यानी ये नया प्लांट है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देखिए इसमें ये पफ निकला है ये नया पौधा बन के तैयार होगा और ये जब कुछ बड़ा हो जाए जब इसमें एक दो पत्तियाँ आ जाएँ तो आप यानी इस पौधे को पूरा गमले से बाहर निकाल के और उस प्लांट को अलग करके आप लगा सकते हैं तो इसको डिवीजन मेथड से लगा सकते हैं ये इजी टू ग्रो है और इसे मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत होती है पर कोई नहीं अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखें तो इसको मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा जैसे कि इसकी वाटरिंग इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट इसको जो पानी दें वह टाइप वाटर ना दें या फिर ओवर नाइट के अगले दिन दें या फिर इस पर हमेशा स्प्रे करें ह्यूमिडिटी का ख्याल रखें प्लांट के बीच में रखें वैसी जगह रखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो और इसको जो भी खाद दें वो केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें इसको जो भी दें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र दें लेकिन ऑर्गेनिक ही दें क्योंकि इसको हार्ड फर्टिलाइज़र बिल्कुल पसंद नहीं है ये प्लांट्स ख़राब हो जाएगा तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो इस प्लांट को आपको मेंटेन करने में थोड़ी आसानी होगी तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है सारे मेरे तीनों प्लांट्स हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन को प्रेस करिए ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को पा सके थैंक्स फॉर वॉचिंग